नमस्कार, दिनभर की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं स्वाति ढल। नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मोसुल में 39 लापता भारतीयों पर सुषमा स्वराज ने दिया सदन में जवाब। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार हुर्रियत नेता शब्बीर शाह पर कसा शिकंजा, 7 दिन तक ईडी की हिरासत में। अयोध्या दौरे पर पहुंचे सीएम आदित्यनाथ योगी ने कहा, सकारात्मक राजनीति से बनेगा राम मंदिर। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ से हाहाकार, गुजरात और राजस्थान में बाढ़ से बदतर हुए हालात। और भारत और श्रीलंका के बीच पहले दिन का खेल खत्म, पहले दिन भारत ने 3 विकेट खोकर बनाए 399 रन। तो ये थी अब तक की सुर्खियां। अब रुक करेंगे आज की बड़ी खबर की ओर। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने लोकसभा में मोसुल में गायब 39 भारतीयों के सवाल पर सदन को जवाब दिया। इससे पहले विपक्ष ने सुषमा स्वराज पर गुमराह करने का आरोप लगाया था। सुषमा स्वराज ने अपने जवाब में क्या सफाई दी, आइए सुनते हैं। 15 जून 2014 की है हमारी सरकार, 26 मई 2014 को बनी थी, यानी हमारी सरकार के बनने के मात्र 20 दिन बाद ये घटना घट गई। और घटना का पता ऐसे चला कि वहाँ से एक व्यक्ति जिसका नाम हरजीत मसीह है वो आया और उसने ये कहा कि हम 40 लोगों को ISIS के लोगों ने बंधक बना लिया था और अगर लाशें भी ठिकाने लगा दी तो खून के धब्बे होंगे। आखिर 39 लोगों को गोली मार के अध्यक्ष जी, ना तो हमें कहीं लाशें मिली, ना हमें कहीं खून के धब्बे मिले, ना कोई सूची सामने आई और ना कोई वीडियो तस्वीर का सामने आया। उसके बाद हमने सोचा कि अब कम से कम इनकी तलाश करनी चाहिए। तो बार बार ये कहा जाता है कि मैं उन्हें मरा हुआ घोषित क्यों नहीं कर देती, हरजीत के बयान पर यकीन क्यों नहीं कर देती। मैं आज यहाँ कहकर कहना चाहूँगी खड़े होकर कि अध्यक्ष जी, बिना ठोस सबूत के किसी को मरा हुआ घोषित करना पाप है और ये पाप मैं कभी नहीं करूंगी। उधर उत्तर प्रदेश में एक बार फिर राम मंदिर का मुद्दा गरमाने लगा है। सीएम आदित्यनाथ योगी आज अयोध्या दौरे पर थे, इस दौरान उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। सीएम योगी ने कहा कि सकारात्मक राजनीति से ही अयोध्या में राम मंदिर का हल निकलेगा। दरअसल मुख्यमंत्री योगी यहां राम मंदिर आंदोलन की अगुवाई कर रहे रामचंद्र परमहंस की 14वीं पुण्यतिथि में हिस्सा लेने पहुंचे थे, जहां मौके की नजाकत को देखते हुए योगी ने राम मंदिर का मुद्दा उठाया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर दोनों पक्षों को फिर से विचार करना चाहिए। योगी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक दोनों पक्ष पहल करें और संवाद के जरिए इसका हल निकालें। अगर दोनों पक्ष आगे आते हैं तो सरकार भी इसमें पूरा सहयोग देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें आपकी भावनाओं के अनुरूप काम करेंगी। सीएम बनने के बाद दूसरे दौरे की तरफ इशारा करते हुए योगी ने कहा कि मैं बार बार अयोध्या आता रहा हूं और आता रहूंगा, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। राम और बुद्ध हमारी पहचान है। योगी ने कहा कि अयोध्या जैसे स्थल ही भारतीय इतिहास के असली केंद्र बिंदु हैं। चक्रवर्ती सम्राटों की परंपरा यहीं से शुरू होती है। भगवान राम को बच्चा बच्चा जानता है। इसके साथ ही योगी ने यह भी कहा कि कुछ लोग रामलीला से भयभीत हैं। उन्होंने कहा कि हमने अयोध्या में बंद रामलीला शुरू की है। श्रद्धांजलि सभा के बाद योगी दिगंबर अखाड़े में आयोजित भंडारे कार्यक्रम में शामिल हुए। और अब बात करते हैं सिक्किम में डोकलाम विवाद की। इस मामले में जहां चीन लगातार भारत को आंख दिखा रहा है, वहीं अब चीन ने अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाया है। चीन का कहना है कि अमेरिका भारत को भड़काकर अपना हित साधना चाहता है। सिक्किम के करीब भूटान के डोकलाम विवाद को लेकर भारत और चीन काफी समय से एक दूसरे के आमने सामने हैं। चीन लगातार भारत पर सीमा से जवानों को हटाने के लिए दबाव बना रहा है, लेकिन भारत ने पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया। वहीं इस विवाद के बहाने चीन ने अमेरिका पर जोरदार हमला बोला है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि अमेरिका भारत को भड़काकर दक्षिण चीन सागर का फॉर्मूला अपना रहा है। अमेरिका के इस व्यवहार से ना तो उसके हित सधेंगे और ना ही उसे कोई फायदा होगा, क्योंकि चीन और भारत युद्ध नहीं करना चाहते। अखबार ने लिखा कि भारत और चीन को सैन्य संघर्ष के लिए उकसाकर पश्चिमी देश रणनीतिक फायदा लेने की जुगत में हैं। दरअसल चीनी मीडिया का मानना है कि दोनों देशों के बीच जारी विवाद में अमेरिका सहित कई देश सीधे तौर पर हस्तक्षेप कर रहे हैं। चीन का कहना है कि 50 साल पुराने भारत चीन सीमा विवाद के पीछे अमेरिका और रूस का हाथ रहा है। इतना ही नहीं, अमेरिका दक्षिण चीन सागर विवाद को नजर में रखकर भारत को भड़का रहा है।
इसके साथ ही चीनी अखबार ने एक बार फिर भारत को धमकाते हुए कहा कि चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसलिए चीन के साथ युद्ध करने से भारत का विकास प्रभावित होगा। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आज करगिल विजय दिवस है और आज के मौके पर पूरा देश करगिल में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दे रहा है, उन्हें याद कर रहा है। पीएम मोदी से लेकर रक्षा मंत्री अरुण जेटली तक सभी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। करगिल युद्ध को 18 साल पूरे हो गए हैं। इस विजय दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद जवानों को सलाम किया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि हमें जवानों पर गर्व है, हमारे जवानों ने देश की रक्षा और गर्व के लिए लड़ाई लड़ी। इस मौके पर दिल्ली में इंडिया गेट पर रक्षा मंत्री अरुण जेटली की अगुवाई में सेना के तीनों प्रमुखों ने कारगिल जंग में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। वहीं कारगिल के द्रास में भी शहीद हुए जवानों के परिवार वालों ने शहीद जवानों को नमन किया। आपको बता दें कि प्रत्येक वर्ष आज के दिन को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य में आज से 18 वर्ष पहले भारतीय सेना ने 26 जुलाई 1999 के ही दिन नियंत्रण रेखा से लगी कारगिल की पहाड़ियों पर कब्जा जमाए आतंकियों और उनके वेश में घुस आए पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया था। पाकिस्तान के खिलाफ इस युद्ध में 500 से ज्यादा भारतीय जवान शहीद हुए थे। देश की इस जीत में कारगिल के निवासियों ने भी बड़ी भूमिका निभाई थी। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए लॉगिन करें dblive.tv। नमस्कार।